बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ Revolution में। तो जैसा कि अभी तक हमने हमारा लिमिट का DPP-1 कंप्लीट कर लिया था और DPP-1 में हमने आपको एक होमवर्क डिस्कशन भी दिया था जिसको हम DPP-2 में उसी के सॉल्यूशन के साथ हमारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सारी प्रोसीजर जो इसके सॉल्यूशन की थी वो मैंने DPP-1 में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। मैंने क्या बोला था, आपको एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व करना है। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था ये फॉर्म किसकी है, 0/0 आपको देखनी चाहिए। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म किसकी है, 0/0 की। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं इस क्वेश्चन में, ओके, तो क्या होगा, रूट टू की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू रूट टू है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या आएगा, -3 रूट टू की पावर 8 प्लस रूट टू की पावर 6 -9 रूट टू की पावर 4 -4 रूट टू का स्क्वायर -16 रूट टू प्लस 84 एंड आपका अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में आपका आएगा रूट टू की पावर 5 -3 रूट टू की पावर 4 -4 रूट टू -12। ओके, आगे सॉल्व कराएं आप इसको, तो रूट टू की पावर आपकी जो 9 है वो होगा 16 रूट टू माइनस ए रूट टू की पावर 8 आपका क्या होता है, 16 होता है, तो 16 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या आएगा, 48 आएगा। ओके, प्लस रूट टू की पावर 6 आपका क्या होता है, 8 होता है, माइनस 9 इंटू रूट टू की पावर 4 आपका क्या होगा, 2 होगा, -4 रूट टू का स्क्वायर 2 होगा, -16 रूट टू प्लस 84 अपॉन में आप देखें तो कराएं तो रूट टू की पावर 5 आपका क्या होगा, 4 रूट टू -3 रूट टू की पावर 4 होगा, -4 रूट टू -12। क्लियर, सबको चमका। ओके, आगे देखते हैं, तो 16 रूट टू माइनस के 48 प्लस के 8 माइनस के 18 माइनस के 12 माइनस के 16 रूट टू प्लस के 84 अपॉन में आपका क्या आने वाला है, 4 रूट टू -12 माइनस के 4 रूट टू एंड यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो शायद यहाँ पर प्लस 12 था। ओके, प्लस 12 है। ओके, यहाँ पर क्या है, प्लस 12 है क्वेश्चन में। क्लियर, तो 4 रूट टू से यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 16 रूट टू से आपका 16 रूट टू कैंसिल हो जाएगा और जब आप माइनस माइनस इसको ऐड कराएं और इसमें ऐड कराएं तो ये सारे ईच एलिमेंट भी आपस में कैंसिल होके आपको फॉर्म क्या मिलने वाली, 0/0 की फॉर्म मिल रही है। तो अभी तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट इस क्वेश्चन में करा नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा और किससे करेंगे, हम हमारे एल हॉस्पिटल रूल से, क्योंकि अगर इसमें आप रेसिलाइजेशन कराओगे ना तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बनने वाला है। तो रेसिलाइजेशन तो नहीं होने वाला, क्या अप्लाई करेंगे हम, वाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है, आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, देन उसके बाद आपको लिमिट को अप्लाई करना है। ओके, तो कराइए क्या होता है, कराएं न्यूमरेटर का एक्स वो डिफरेंशिएशन कराएं तो क्या होगा, इसका क्या होगा आपका 9x की पावर 8, इसका क्या होगा आपका 24x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 5 माइनस 36x की पावर 3 माइनस 8x माइनus 16 और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होगा, इसका क्या होगा 5x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब माइनस के 4। क्लियर, और लिमिट आपका एक्सटेंडिंग टू रूट टू कंटिन्यू चलेगा। क्लियर हुआ, अब आप क्या कराएं इसमें, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं तो आपका रूट टू सॉरी 0/0 फॉर्मेट नहीं बनने वाला, करा दीजिए, कराएं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई कर दिया है। तो कराएं 9 इंटू रूट टू की पावर आपकी 8 माइनस 24 रूट टू की पावर आपका 7 रहेगा प्लस 6 इंटू रूट टू की पावर 5 माइनस 36 रूट टू की पावर आपका 3 रहेगा माइनस ये रूट टू माइनस 16 अपॉन में आपका क्या रहेगा
फाइव रूट टू का पावर फोर माइनस ट्वेल्व, रूट टू की पावर आपकी थ्री रहेगी माइनस फोर। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन आप डिस्कस करते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन कराएं, क्या होगा? नाइन इंटू आपका सिक्सटीन रहेगा माइनस ट्वेंटी फोर इंटू रूट टू की पावर सेवन, आपका क्या होने वाला है? सिक्स रूट टू, ओके, प्लस सिक्स इंटू रूट टू की पावर फाइव, आपका फोर रूट टू होगा माइनस सिक्सटीन इंटू टू रूट टू होगा माइनस एट रूट टू माइनस के सिक्सटीन। अपॉन में आपका क्या आएगा, यहाँ पर करें तो फाइव इंटू फोर होगा माइनस के ट्वेल्व इंटू टू रूट टू होगा माइनस के फोर होगा। क्लियर? इसका सॉल्यूशन कराना है बस, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है? अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएं तो 144 आने वाला है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएं तो देखते हैं, 6 का आप 4 में कराएं तो 24 आएगा और कैरी 2 आएगी, ठीक है ना? 6 का 2 में कराएं तो आपका 12, 12 में 2 आपका ऐड होगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके, 6 रूट 2, ओके, और 12 आपका ए होगा, ठीक है? क्लियर हुआ? यहाँ पर रूट टू की पावर सिक्स, सॉरी, यहाँ पर रूट टू की पावर जब सिक्स करेंगे ना आप तो एट आएगा, सिक्स नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि रूट टू का अगर आप थ्री बाई मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है आपको? रूट टू की पावर आपको वाकई में सिक्स करनी है, ठीक है? तो अगर आप दो बार करते हैं तो ए टू होगा, फिर टू मिलेगा और कराएंगे थ्री बाई मल्टीप्लाई तो एट मिलेगा। क्लियर? तो एट रूट टू आएगा यहाँ पर। क्लियर? सुधार लें तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कराना है, ठीक है ना? तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो आपका आएगा 19, ओके, ए आएगा रूट टू, प्लस इसका इसमें कराएं तो 24 रूट टू आएगा, माइनस इसका कराएं तो 72 रूट टू आएगा, इसका कराएं तो 8 रूट टू आएगा माइनस के 16 आएगा। क्लियर? अब ए 20 है, ए 4, तो 16 माइनस 24 रूट टू। क्लियर? ओके, अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, फिर इसके बाद हम इसका आगे डिस्कस करते हैं, ओके? अब क्या करना है आपको, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? इसको जो भी सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर्स को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कराएं क्या होगा, 14 में से आपका 6 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर कह दी जाएगा 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा। क्लियर? अब यहाँ पर 13 बचा, 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो 128 माइनस यहाँ पर कराएं तो आपका ए 192 में आपका 8 ऐड होगा, रूट टू वाले टर्म ऐड होंगे तो क्या होगा आपका 200 रूट टू। क्लियर? अब आप देखें 72 में से आपका 24, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 72 में से आपका 24 सब्ट्रैक्ट करें तो 12 में से 4 8 आएगा, 6 में से 2 48 आएगा, 48 माइनस के बचा 48 रूट टू और अपॉन में आपका क्या बचा, 16 माइनस 24 रूट टू। क्लियर? अब आप देखें तो 128 माइनस ए क्या हो गया, 248 रूट टू अपॉन में 16 माइनस 24 रूट टू हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या कराना है, इसमें से 8 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्लियर? तो ले लें 8 आप कॉमन लें तो यहाँ पर आप डिवाइड कराएं 8 से तो क्या जाएगा, 1 बार में जाने वाला है और कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है? तो 16 बार माइनस इसका कराएं तो 31 रूट टू, ओके, अपॉन 8 यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 रूट टू बचेगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लें तो 31 रूट टू माइनस 16 अपॉन 3 रूट टू माइनस 2, ये आपका लिमिट का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखा आपने, अच्छा क्वेश्चन था और जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा तो बेसिक कैलकुलेशन थी तो कई बच्चों ने ट्राई करने पर इसको हल भी कर लिया होगा, लेकिन जिनने नहीं किया उनके साथ मैंने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है, ओके? तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़े ही समय में हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका 1 क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल पावर क्या होगा, 1 माइनस cos x माइनस 1 अपॉन में आपका क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो
यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, कोई हेडेक नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, वो क्या है, 0/0, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 कराएंगे तो cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 आपका 0 होगा और ए भी आपका 0, तो दिक्कत है। तो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, इस पर इस पे तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा रियल वैल्यू आ रहा है जो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। तो क्वेश्चन आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इस पे आपको इजीली सॉल्व कराना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो ए तो आपका 1 सब्स्टिट्यूट कराए, इसमें क्या होगा, 1 + 2 + 1 + 1 तो 5 आएगा, और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कराए तो 6 हो जाएगा कि होल पावर। लेकिन लिमिट अब किस पे बची, एक्सटेंडिंग टू 1, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपको इसको सॉल्व कराना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में लिमिट लगाने से पहले आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, क्योंकि अभी तो आपकी 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। अब आपने एक फॉर्मेट पढ़ा है कॉस 2x का, क्या पढ़ा है, 1 - 2 sin² x, क्लियर। तो यहाँ से आपका 2 sin² x बराबर क्या होगा, 1 - cos 2x, क्लियर आएगा कि नहीं आएगा, 1 - cos 2x आएगा। तो 1 - cos 2x को 2 sin² x लिख सकते, 2x है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो सिमिलरली इसमें अप्लाई कर दें, 2 sin² x - 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब आपको 5/6 की पावर चल रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, सॉरी 1 है, ओके। तो लिमिट आपका एक्सटेंडिंग टू 1 चलेगा। अब 2 है तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2। अब आपको पता है साइन के एंगल में जो है वो ही आपको नीचे भी चाहिए, तो क्या करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर में चाहिए, तो एक्स माइनस 1 बाई क्या करें, 2 का होल स्क्वायर। बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, ये 1/4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी यहाँ पर हो गया। अब आप 2 बाहर था तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/2 बचा कि नहीं बचा। अब आपका 1/2 लिमिट के बाहर आएगा, तो 5/6 की पावर 1/2 आपका बाहर आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 रहा, और इसको साइन एक्स माइनस 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1/2 लिख सकते का होल स्क्वायर। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान 1 होता है। तो आप देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर ए आपका 0 बन रहा, ए भी 0, यहाँ पर 0 पर ए 0 बन रहा था, ए 0 तो 1 था, तो इसका भी वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो लिमिट आपको क्या बन जाएगी, 5/6 की पावर 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते, रूट के अंदर 5/6 आप लिख सकते, क्लियर आया, चमका के नहीं चमका। तो एक क्वेश्चन भी इजी था, बस आपको एक फॉर्मेट यहीं पे दिक्कत आती, क्योंकि आपने यहाँ एक्सटेंडिंग टू 0, लेकिन अब नहीं आनी चाहिए क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी में ऐसे कई क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको पहले देखें, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको चमक जाएगा, ओके। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं, ओके, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें अभी लिखा था मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला, क्या लिखा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर आपका साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो इसी टाइप अगर साइन दिख जाए तो आपको इस फॉर्मेट को तो बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आपका एन साइन पाई बाई 4n इंटू कॉस पाई बाई 4n। अब बताइए अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो 1/n इन्फिनिटी लिमिट है, 0 बनेगा, साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, और a इन्फिनिटी, तो फॉर्मेट क्या हो गया, इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन मैंने आपके साथ कई डिस्कस किए हैं। कैसे करेंगे हम इसको प्रोसीड, हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, और जैसे ही फ्रैक्शन बन जाएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। बनाइए फ्रैक्शन, कैसे करें, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन पाई अपॉन 4n, और इसको क्या लग सकते, 1 अपॉन n,
और cos पाई अपॉन 4n, cos को तो कोई हेडेक नहीं है, cos तो लिमिट को एडजस्ट कर रहा है, तो इसी को गायब करना है। इसको गायब कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर x जीरो हो रहा था, तो n टेंडिंग इंफिनिटी पर आपका a जीरो हो रहा और a भी जीरो हो रहा, लेकिन a जो है ये वो नहीं है। तो बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर पाई बाई फोर से आपने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो फोर बाई पाई से क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब आप क्या लग सकते हैं, लिमिट, क्योंकि ये पाई से पाई कैंसिल होगा, फोर से फोर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये पलटेगा तो ये ऊपर जाके क्या होगा, पाई बाई फोर, और इसको साइन पाई बाई फोर एन, और नीचे भी आपका पाई बाई फोर एन है, और ये आपका क्या है, कॉस पाई बाई फोर एन। क्लियर? अब आप देखें तो सारे फंक्शंस में आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसका वैल्यू आपका वन होगा, इसका कॉस जीरो बनेगा, तो कॉस जीरो का वैल्यू वन, ठीक है ना, और ये आपका एग्जैक्ट में पाई बाई फोर ही चलेगा, तो लिमिट का वैल्यू क्या आ गया आपका, पाई बाई फोर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट क्वेश्चन, चूंकि ये वन की पावर इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन है, जिसके लिए मैंने आपके साथ कितने टाइप डिस्कस किए थे, कई टाइप डिस्कस किए थे। फिर मैं, अगर कोई बच्चे इस सेशन को पहले ही देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं, करीब करीब हम लोगों ने 20 से ऊपर लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं लिमिट के ऊपर। तो अगर आपने वो चैप्टर जो डिस्कस किए हैं वीडियोस को, उनको देखे बिना अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले आप उन 20 लेक्चर्स को देखें, इतना सारा कंटेंट आप नॉलेज इकट्ठा करें, उसके बाद देखें तो आपको सब चमकेगा। और ये तो आपके सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ही हम जेपीपी सेशन करेंगे हमारे जेई के क्वेश्चंस, उसमें तो आपको और ही बिल्कुल नहीं चमकेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्लियर कीजिए। आइए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर साइन एक्स अपॉन साइन ए का होल पावर वन अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर? यही है क्वेश्चन के लिए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट लगाएं तो क्या हो रहा है, एक्सटेंडिंग टू ए पर आपका ए क्या बनेगा, साइन ए, तो वन और ए, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी। कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है, वन की पावर इन्फिनिटी, लेकिन एक फॉर्मेट पढ़ाया था, अगर एक्सटेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की पावर जी एक्स है, और अगर एफ एक्स टेंडिंग कर रहा है जीरो पर, सॉरी वन पर, और जी एक्स टेंडिंग कर रहा है इन्फिनिटी पर, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स के बराबर होता। डिस्कस किया था कि नहीं किया था? तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन एक्स अपॉन साइन ए माइनस वन की पावर वन अपॉन एक्स माइनस एक इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब एलसीएम ले ले, तो चूंकि साइन ए तो आपका कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा वन अपॉन साइन ए, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ए आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन ए, और चूंकि मल्टीप्लाई में जाना है, ठीक है ना, वन अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स होता है। क्लियर? तो अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा। आइए दोस्तों, तो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपल साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको पता है कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। तो अप्लाई कर दें, क्या होगा, e की पावर वन अपॉन साइन ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए क्या हो जाएगा, टू साइन सॉरी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू अपॉन में एक्स माइनस ए। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखते हैं क्या आएगा, e की पावर वन अपॉन साइन ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए कॉस एक्स प्लस ए बाई टू इंटू, यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए बाई टू है,
और ए टू आपका नीचे जाएगा तो एक्स माइनस ए बाई टू भी हो जाएगा। क्लियर चमका? तो साइन एक्स अपॉन ए के फॉर्मूले से अगर एक्स टेंडिंग टू ए करते हैं तो ए ब्रैकेट भी जीरो बनेगा, ए ब्रैकेट भी जीरो बनेगा, तो इस लिमिट का वैल्यू तो आपका क्या होने वाला है, वन होगा कि नहीं होगा। और आप बाकी जगह सब्स्टिट्यूट करा दें तो e की पावर 1 अपॉन साइन ए, और इस ब्रैकेट में a प्लस ए आपका क्या हो जाएगा 2a अपॉन 2, तो a बचेगा कि नहीं बचेगा, तो cos a, तो cos a अपॉन साइन ए, तो e की पावर आपका क्या आ जाएगा cot a आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो इसकी लिमिट का वैल्यू क्या आ गया आपका e की पावर cot a। क्लियर चमका सबको कि नहीं चमका? डीपीपी 2 के जितने भी क्वेश्चन थे आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? तो कुछ नहीं है, सीधी सीधे 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 कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हो, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे आपके शायद जेई के क्वेश्चन या कुछ डीपीपी सेशन बचे होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो तक अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें KJ Revolution। KJ Revolution की तरफ से आप सभी को गुड बाय।